नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपना YouTube चैनल में। दोस्तों, एक सोल्जर रिटायर होने के बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से कहीं सारा वेलफेयर स्कीम्स दिया जाता है, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं आपने कहीं सारा वेलफेयर स्कीम्स है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, उसके बाद देखेगा यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस 100% डिसेबल्ड चाइल्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज ऑफ ईएसएम डॉटर्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ईएसएम, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रन। इस तरफ से कहीं सारा वेलफेयर स्कीम्स इस सैनिक बोर्ड का द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जैसे आर्मी से रिटायर हो जाता है, सबसे पहले आप प्रायोरिटी में केंद्रीय सैनिक बोर्ड का वेबसाइट में रजिस्टर करना जरूरी होता है। दोस्तों, इसमें रजिस्टर करने के बाद आपको जो भी एलिजिबल है, जो भी ऑथराइज्ड स्कीम्स है, ये स्कीम्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, और इसका जितना भी स्कीम्स है इनका बारे में हमने अलग से वीडियोस बना चुका है, और उसको किस तरफ से हमने अप्लाई करना है, उसके बाद क्या कार्रवाई होता है और कब तक इसका पेमेंट्स दिया जाता है, ये सारा का सारा डिटेल्स हमने वीडियोस बना चुका है और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, लेकिन आज का टॉपिक वो है, आप लोग कहीं बार क्या होता है, ये स्कीम अप्लाई करने के बाद ये वेबसाइट को चेक करना और ये स्कीम को जो अप्लाई किया उस स्कीम्स को चेक करना भूल जाता है, उसका स्टेटस को, उस दौरान क्या होता है, आप लोग इसका पासवर्ड वगैरह भूल जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है, हमने इस पासवर्ड को किस तरफ से रीसेट करना है देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्कीम्स है और फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड का तरफ से। दोस्तों, इसलिए हमने ये टॉपिक आज लिया है, और कई सारा भाइयों ने रिक्वेस्ट किया है इसका पासवर्ड रीसेट कैसे करना है, कई सारा कंफ्यूज होता है इसमें रीसेट करते समय। चलिए दोस्तों, इसको किस तरफ से रीसेट करना देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसका ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे यूजर नेम है, मेल आईडी होता है, आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो मेल आईडी दिया था वही यूजर नेम होता है, वो यूजर नेम को यहाँ पे डालना होता है मेल को, और पासवर्ड आपको नहीं पता है, भूल गया तो कोई बात नहीं, और ये वेरिफिकेशन कोड का भी जरूरत नहीं, आपको सीधा यहाँ पे मेल आईडी डाल के यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा दोस्तों, यहाँ पे आपने क्लिक कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने ईमेल आईडी सबमिट किया और पासवर्ड हमको नहीं पता, इसी वजह से हमने फॉरगेट पासवर्ड किया, उसके बाद आपको पेज इस तरफ से इंटरफेस खुल के आ जाता है, उस द्वारा आपने फिर दोबारा इस तरफ का आपको पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यहाँ पे सेम ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन का द्वारा आपने केएसबी वेबसाइट में सबमिट किया था वही मेल आईडी यहाँ पे डालिएगा, और ये वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पे सबमिट करना होता है, और उसके बाद यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कीजिएगा। जब आपने फॉरगेट पासवर्ड करता है, उसके बाद आपने केएसबी में रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर दिया था और ईमेल आईडी दिया था, ये दोनों पे आपको एक टेम्पररी पासवर्ड आता है। दोस्तों, केएसबी पे जाना होगा, केएसबी वेबसाइट है, kesb.gov.in वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइएगा। जैसे वेबसाइट पे जाता है, वो टेम्पररी जो पासवर्ड हमको इशू किया गया है एसएमएस का द्वारा जो आया है, उस पासवर्ड से आपने लॉगिन करना होगा। दोस्तों, अब यहाँ पे जो है यूजर नेम का जगह पे पहले जैसे डाल रहा था आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा, और टेम्पररी पासवर्ड आपको मोबाइल आईडी पे, मोबाइल का एसएमएस पे आया होगा दोस्तों, उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालिएगा, और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है, वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे सबमिट करके फिर लॉगिन कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे साइड में जो आपको स्क्रीन पे जो दिखा रहा मैं, वो टेम्पररी पासवर्ड जो है एसएमएस में इस तरफ से आता है। दोस्तों, हमने जैसे वो जो टेम्पररी पासवर्ड को सबमिट किया, उसके बाद नेक्स्ट पेज इस तरफ से खुल के आ जाता है। दोस्तों, जो करेंट पासवर्ड का जगह पे जो आपको टेम्पररी पासवर्ड आया था, उस पासवर्ड को यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। उसके बाद न्यू पासवर्ड में जो है आपने जो नया पासवर्ड क्रिएट करना चाहता है, उस पासवर्ड को यहाँ पे सबमिट कीजिए, और उसी सेम पासवर्ड को यहाँ पे
कंफर्म कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे सबमिट करके नीचे सेव ऑप्शन जो दिख रहा है इस सेव ऑप्शन के ऊपर सेव कीजिएगा, उसके बाद आपका पासवर्ड रीसेट हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने जैसे सबमिट कर दिया, कंफर्म कर दिया पासवर्ड को, उसके बाद सीधा डैशबोर्ड इस तरफ से ओपन हो जाता है दोस्तों। अभी आप ये क्लियर है, आपका पासवर्ड पूरा का पूरी तरफ से रीसेट हो गया। इसके बाद आपने कोई भी स्कीम के लिए अप्लाई करना है, न्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा। जैसे न्यू एप्लीकेशन पे जाता है, जितना भी ऑथराइज है एक सर्विसमैन के लिए, पूरे का पूरा स्कीम्स आपका सामने इस तरफ से खुल जाता है दोस्तों। फिर यहाँ से आपने कोई भी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है दोस्तों। यह है दोस्तों आज का वीडियो, हमने अपना जो KSB का जो वेबसाइट है उसका पासवर्ड रीसेट किस तरफ से करना हमने देख लिया दोस्तों। इसी तरह का और वीडियो से हमने ऑलरेडी बना चुका है, हर स्कीम के लिए किस तरफ से अप्लाई कर सकता है और ECHS कार्ड के लिए किस तरफ से अप्लाई कर सकता है और कैंटीन स्मार्ट कार्ड के लिए किस तरफ से अप्लाई करना है और PMSS एजुकेशन असिस्टेंस, इस तरफ का कई सारा स्कीम्स के बारे में हमने अपना ये चैनल का द्वारा वीडियोस डाला हुआ दोस्तों। आप लोग वहां जाके सारे का सारा वीडियोस आप लोग चेक कर सकता है। इस तरह का और वीडियोस के लिए जरूर अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सकता है अपने भाइयों को ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।